सरकार तो बहुत है, जो भी सरकार आता है जनता से पाई पाई वसूलता है। अब 10 रुपये का साबुन खरीदते हैं उसमें भी 3 रुपया करीबन 2.5 रुपया 2 रुपया टैक्स होता है। 10 रुपये के माचिस खरीदे, 1 रुपये का माचिस खरीदते, 1 रुपये का हजमोला खरीदते, उसमें भी टैक्स होता है। तो इतना सारा टैक्स का पैसा आता है तो जाता कहाँ है? एक केजरीवाल सरकार है, दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है। पंजाब चुनाव से पहले ऐलान किया है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसके बाद जो बकाया बिजली बिल है उसे माफ़ कर देंगे। तो केजरीवाल सरकार कह सकता है दिल्ली में लगातार पिछला 5 साल किया, अब दूसरा साल इसमें भी चालू 7 साल करीबन हो गया, 7 साल से दिल्ली में फ्री बिजली दे रहा है। तो केजरीवाल सरकार दे सकता है तो और कोई क्यों नहीं दे सकता? अभी पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कहा है केजरीवाल सरकार ने, तो कांग्रेस का वहाँ जो सरकार है उसने बोला है कि ये सब ढकोसला है, झूठी वादा है। तो कुछ समय पहले जब दिल्ली में बोला था केजरीवाल हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उस समय भी शीला दीक्षित की सरकार थी तो कांग्रेस ने बोला था कि ये सब झूठी बातें हैं, झूठी वादे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर केजरीवाल सरकार 7 साल से बिजली फ्री दे रहा है ना, तो पंजाब में भी दे सकता है।